Hey, what's up? Finally time to leave Cherapunji. And सामने दिखा दूँ आपको, ये जो सामने फेंस दिख रही है, फेंस के आगे टोटली बांग्लादेश. चलो, थैंक यू. अच्छा, मेटालिक रूफ है ना? हाँ, तो ये रूफ के ऊपर मेटल है, एवरीथिंग इज ग्लास. तो यहाँ पे वाईफाई नहीं था, कल कैसे बात थी तो मैंने कहा भाई वाईफाई लगवा लो यहाँ पे, कहता सर वाईफाई उड़ जाता है. गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग. फर्स्ट स्टॉप इन चेरापूंजी है, कोई मेरा प्लान स्टॉप नहीं था, बट मुझे दिख गया तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं, क्योंकि रास्ते में ही है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. यहाँ से मोटर लोग तो आ ही नहीं सकते, मेरे को टाइट हो गई हालत आने में. इन मेमोरी ऑफ डेविड स्कॉट, एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द नॉर्थ फ्रंटियर ऑफ बंगाल कमीशन. यहाँ पे इतना था देखने के लिए, बट मेन बात यह कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे आपने तोड़ फोड़ के आपको जेल हो सकती है. और दूसरी मेन बात है कि इतना पतला, ओह इट्स अ गेट, ये ऐसे ऐसे हो सकता है. Yeah. This is the hills of Dancing Cloud viewpoint. It is believed the only place where clouds from Bay of Bengal, Northeast Cherapunji chosen for their annual dancing competition in summer. Bhai yahan pe clouds ka dancing competition hota hai. And there is the valley jahan pe bolte hain sare clouds aa jaate hain. And jo mere piche aap dekh rahe hain, this is the valley jahan pe tino clouds aate hain aur unka wo so hota hoga na, kya bolte hain usko, maiya maiya. Hey guys, so I have taken a small break. Actually hotel se nikle hue bahut zyada time nahi hua, hum galat chale gaye the. But anyways, I have stopped because I have to upload a video on my Fit Muscle TV channel, which is a very important video which has to go today anyhow. So we have just finished video. Abhi pura upload karke thumbnail humne sab lagaya. 11:18 ho chuka hai. Super late, but kya kare yaar, kaam hai. That's the thing, when you work for yourself, there is no vacation, there is no nothing. You can't give excuses. When you have to work, you have to work. तो गाइस, यहाँ की रोड्स थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बट मैं सोच रहा था इसके बारे में कि रोड्स चैलेंजिंग क्यों होती है. अगर रोड्स चैलेंजिंग नहीं होगी ना तो टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा. आप सोच रहे हैं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बट हाँ सोच के देखो, अगर रोड्स एकदम फर्स्ट क्लास टिप टॉप हो गई तो बंदा एक दिन में सारी जगह कवर कर लेगा, दूसरे दिन वापस अपने घर. तो मेरे सामने चल रही है मारुति 800. अंकल जी इतना धीरे चला रहे हैं, अंकल जी ऐसे करते रहे तो हम शाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे. मैक्स कैपेसिटी में पीछे 4 लोग, आगे 4 लोग, तो जरा सा भी गड्ढा आता अंकल जितना धीरे कर लेते पूछो नहीं. जी की स्पीड हो जाती है dx/dt, where dx tends to 0 and dt tends to infinity. बेटा डबल रूट ब्रिज यहीं से जाना है ना? थैंक यू. कहीं जा रहे हो आप? कुछ छोड़ दूं? अरे कार होगी तो चा भाई, नीचे का नजारा देखो यार. पता है यहाँ गाड़ी चलाने में, मतलब इफ आई लुक स्ट्रेट इट्स फाइन, इफ आई देखूं कि साइड में क्या है, अरे राम राम राम, चक्कर आता यार. कभी कभी यार सोच के लगता है इंडिया कितना बड़ा देश है, कितने सारे यहाँ पे लोग रहते हैं, डिफरेंट बोली बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट खाना है, सब कुछ अलग है, उनका रहना पीना अलग है, फिर भी एकजुट एक देश में बने हुए हैं. वी आर प्राउड टू कॉल आवरसेल्फ्स इंडियंस. और इतने बड़े देश में डेमोक्रेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल यार, इलेक्शन ही करवाना बहुत मुश्किल है. लाइक इतने उतने ऊपर पहाड़ियों में कोई रहता है, उस बंदे तक को वोट का अधिकार है यार. मून से भी ये गड्ढे दिखते हैं गाइस. जब नील आर्मस्ट्रांग मून पे गया था तो उसने कहा था कि ये डबल डेकर ब्रिज के पास 2 बड़े गड्ढे हैं जो कि मून के क्रेटर से भी ज़्यादा बड़े हैं. मैं ये सोच रहा हूँ इतनी बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे अगर 2 गाड़ियाँ आ जाएँ आजू बाजू तो निकलेंगे कैसे? रोड देखो कितनी सखरी रोड है, देखो. वो तो पहली चीज़ थी. दूसरी चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई गाड़ी ऑपोजिट आ क्यों नहीं रही, या तो ये सब देख के चले गए या तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है देखने में. इतना सुंदर वाटरफॉल है, वो एक्चुअली थोड़ा सा ही है बट सही है ना. गाड़ी आ रही, चलो 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 चलो. देयर इज अ कपल हू हैव स्टॉप फॉर अ पिक्चर बट आई आल्सो वांट टू क्लिक. अरे यार ये बड़ा दिक्कत, कैंसिल है, यहाँ पे गाड़ी आती है सीधे, ये कांट स्टॉप. निकल जाएगी भाई तेरी, निकल जाएगी, निकलेगा निकल जाएगा भाई.
सो आई एम आई स्टॉप देयर फॉर अ पिक्चर. ओके आपका मैं खींच दूँ, मैं खींचता हूँ ना. दो बच्चे मेरी तरफ भागते आ रहे हैं तेज़ी से. बेटा ये डबल डेकर ब्रिज कहाँ पे है? यहीं पे नीचे है. कहाँ से जाएंगे नीचे? स्टिक. ओके हाउ मच? 20 रुपीस. का 10 रुपीस. हे मामा स्टिक. व्हाट इज योर नेम? सिमयास. वेल व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स माय नेम? माय नेम इज गौरव. 10 रुपए का स्टिक. दोस्त. हाँ मेरा गाड़ी है दोस्त. मतलब अभी आता है. वॉकिंग वॉकिंग फोन हियर. आ रहा बेटा रुक जा, मेरे को रास्ता पूछ रहा हूं. तो डंडे बेच रहा अपने मेरे को. फॉर वॉकिंग वॉकिंग फ्रॉम हियर द ट्री ब्रिज. ओके वन सेकंड आई विल डू सुसु हियर. सुसु. ओके देन यू लुक दैट साइड, डोंट लुक दिस साइड. लुक दैट साइड ना. गाड़ी जाएगा? गाड़ी आएगा कि गाड़ी? बेटा मेरे को सुसु करते हुए देखोगे तुम्हें अच्छा लगेगा. नो ना? गुड बॉय ना. देन गो गो टू द ब्रिज. नो वी डोंट रीच, इट्स टू फार फॉर अस. हाउ विद द बेबी? या यू केम हाफवे? या हाफवे. बट हाउ फार इज इट? सो वी हैव पार्क द कार्स ओवर देयर. उसके आगे गाड़ी नहीं जाएगा बिकॉज़ रास्ता बहुत खराब है. यहां से पैदल ट्रैक है नीचे कुछ 25 मिनट की बोला, 25 आधे घंटे की. और वापस आने में ऑब्वियसली घंटा लगेगा. ये लोग के पास बच्चे थे तो बच्चे के साथ जा नहीं पाए. नो नो आई डोंट वांट स्टिक. वन सेकंड यू हैव टू शेक हैंड विद मी. शेक हैंड. नो शेक हैंड. हैंड शेक लाइक दिस. गिव मी वन पुच्ची आल्सो. बाय बाय बच्चा, बाय बाय. याद तेरा छुरी की याद आती ना बच्चों को देख के. यहाँ जाना है, यहाँ सीढ़ी पे जाना है, पता नहीं. और मैं अकेला हूँ यहाँ पे. आई थिंक बिकॉज धूप आती है ना दोपहर को, तो लोग सुबह सुबह आके कर जाते हैं. हैव टू गो डाउन. थैंक यू. तो बच्चों ने रास्ता बता दिया है. आई होप ये बच्चे हमारे कानपुर के बच्चों की तरह ना हो जो गलत रास्ता बताते हैं और फिर आपस में मजे लेते हैं. ओ बेटे की भाई साहब सीढ़ियाँ देख रहे हो? टीप सीढ़ियाँ आएगी, ऊपर आने में लग जाएगी भाई. तभी वो वापस हो लिया आधे रास्ते से. बच्चा था ना उनके पास. ये तो दिस ब्रिज बेटर बी गुड. लेट मी शो यू हाउ स्टीप द. देखो थोड़ा सा नीचे आया भी मैं. देखो भाई सच पूछो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ. हम वहाँ से आ रहे हैं और अभी कहाँ जाना है? हाँ भाई जी, इतना नीचे बनाने की क्या जरूरत थी यार? यहाँ तेज जाओगे तो पक्का गिर जाओगे. तो जो पूरा नीचे जाने की बात को कह दे सर आप गलत आ गए, यहाँ पे नहीं है, उस साइड था. द स्टेप्स आर सो स्मॉल कि पूरा पाँव भी नहीं आता. देखिए आधा पाँव बाहर निकल रहा है. पता है यहाँ पे अचानक गिर गया और क्या सही जगह में फिट हुआ है. नहीं ऐसे नेचर वांटेड टू बी प्लेस. भाई ये क्या बनाया यार? ये सीढ़ियाँ हैं? ये सीढ़ियाँ क्या है ये? गाइस ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है. कितने पतले स्टेप्स हैं भाई. समवन हु कैन नॉट टेक फिजिकल एग्जर्शन ऑफ क्लाइंबिंग अप एंड डाउन शुड नॉट कम हियर. बट लुक एट दिस स्टेप. ऐसे भी पैर नहीं आ रहा मैन. आई थिंक समबडी एल्स इज आल्सो कमिंग. बिना रेलिंग के तो नहीं चल सकते हम यहाँ पे. नीचे देख के चक्कर आ रहा है. डबल डेकर ब्रिज यहीं पे नहीं है? कहाँ पे? डाउन. हाँ सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को जाने दो. मेरे को डर लग रहा है सर. लुक इट इज स्केरी यार. नीचे देख के डर लग रहा है मेरे को एक्चुअली. लुक हाउ स्केरी दिस इज. ये सीढ़ियाँ हैं, ये पहाड़ है और यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है. इतनी पतले स्टेप्स हैं. द मोमेंट आई लीव दिस रेलिंग आई फील स्केयर्ड. जब तक ये हाथ में रहता है थोड़ा ठीक लगता है. मुझे राम 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 हो रहा है यार. सही में पर आ पाऊंगा कि नहीं? इतना बड़ा DSLR भी हाथ में, एक तो पकड़ा हुआ. ओके भाई यहाँ पे देख, थोड़ी सी यहाँ पे ठंडक है तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. बरैया भी आ गई है. कैसे आते लोग यहाँ पे यार? मतलब गाइस प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप लोग कभी यहाँ पे आए हो और कैसा एक्सपीरियंस है आपका यार. मतलब है तो अच्छी जगह होगी आई एम श्योर, बट इतना कठिन रास्ता यार. तो ये देखो अभी, ये देखो. राम 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 राम. क्लोज द कैमरा, नहीं कर पाऊंगा मैं. वाह वाह, थैंक गॉड. अब थोड़ा बेटर रास्ता है, काफ़ी बेटर रास्ता उसके कंपैरिजन में. तो इट इज़ जस्ट स्टेयर्स. हमने 12:18 मान लो स्टार्ट किया था ट्रैक. अभी 12:50 हो रहा है, आधे घंटे के ऊपर हो गया. बेफ को बना दिया ना, 25 मिनट लगेंगे. अभी देखो कितनी बाकी है. ओह ये कीड़ा है, ये वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा. अबे लोग रहते हैं यहाँ पे क्या? उतना ऊपर से नीचे लोग यहाँ रहते हैं, मतलब यहाँ रास्ता होगा आने जाने का, सड़क होगी यहाँ पे. ये क्या हमको काट दिया यार. यू गाइस लिव हियर? थैंक यू. हाउ मच मनी फॉर ड्रॉप? 600 रुपीज़. नो आई डोंट वॉन्ट. सो एक्चुअली दे आर गिविंग अ ड्रॉप सर्विस, बट मैं समझ नहीं पा रहा सर्विस है क्या. वो बोलते हैं कि आपके साथ जाएंगे, आपके साथ आएंगे. मैंने कहा मैं खुद ही चला जाऊंगा. इट्स लाइक मुझे अगर कंधे बिठा के लेके जा रहा हूँ तो समझ में आता है. डबल डेकर दिस साइड ना, डबल डेकर
इस वे थैंक यू बेटा। हाय गाइस, जो पुराना वाटरफॉल दिखाया था मैंने, यहाँ से दिख रहा है कितना सुंदर दिख रहा है यार। एक और अमेजिंग चीज, एक्चुअली आई एम टेकिंग रेस्ट, टाइम डिफरेंस हो गया है, मेरे मोबाइल ने बांग्लादेश का टाइम कैच कर लिया, सो माई घड़ी इज शोइंग 13:19, फोन इज शोइंग टाइम ऑफ 13:49 डाउन एंड देन गोइंग अप 2 आवर्स। डोंट लाफ एट माई मिजरी गाइस, ओके? You are smiling. Sorry. I'm so sorry. So I took a 15 minute break, but these guys are saying अभी 40 minute और लगेगा। ओ यहाँ काम चल रहा है सीढ़ियों का। ओ यहाँ कच्चा सीढ़ियाँ बना रहे हैं अभी। Okay. My daughter also same age. तो actually बहुत कठिन हो गया। So the guys you saw who were working, they were making पक्की सीढ़ियाँ, but यहाँ पूरी rocks हैं। Definitely बच्चे के साथ तो impossible. वो अच्छा वो लोग चले गए, बट साला वो कहता 25 मिनट लगेंगे। मुझे भी समझ नहीं तो उसकी किसकी बात सुनो, जो बंदा खुद ही नहीं गया वो कह रहा 25 मिनट लगेंगे। अब मैंने सोच लिया है अगली बार मैं मेघालय आऊँगा ना, तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक मैं मीटअप रखूँगा। आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, आप इंस्पिरेशन हो, आपसे मिलना है मैंने। यहाँ पे मीटअप रखेंगे, सारे अपने भाई आएंगे। देखो ये होती है व्लॉग लाइफ, 1000 सीढ़ियाँ फिर भी कैमरे रख के ऊपर गया हूँ शॉट लेने के लिए। डेढ़ घंटे के ऊपर हो गया चलते हुए यार, कोई 25 मिनट कह रहा है, कोई 1 घंटा कह रहा है, पैर फिसल रहे हैं, नामो निशान नहीं है। चले जा रहा हूँ अनंत काल की ओर, चले जा रहा हूँ, पता ही नहीं कहाँ जाना है, नीचे जाके पता नहीं जो चीज़ देखने आया है तो इंटरनेट पे देख लेते यार। अब देखो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब वीडियो, अब तुम लोग यही देख लो, ठीक है? तुम लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने की है मेहनत, इसलिए तुम मत करना मेहनत, ठीक है भाई? अब मुझे लग रहा है ऑनेस्टली कि ऊपर जाते जाते अंधेरा ना हो जाए, अगर अंधेरा हो गया ना बेटा वाट लग जाएगी अपनी, सही बात। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाताल लोक की ओर जा रहा हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। गाइस अभी 158 हो रहा है, ऑलमोस्ट 230 तक अगर हम नीचे ना पहुँच पाए देन आई स्टार्ट गोइंग बैक अप अगेन, बिकॉज दैट्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बिकॉज आई थिंक 4 बजे अंधेरा हो जाता है यार। 230 मतलब आई विल गेट 3:30, 4:30, 2 घंटे में नहीं पहुँच पाऊँगा ऊपर। वॉट हैव आई गॉटन माई सेल्फ इनटू, 2 घंटे में नीचे नहीं पहुँच पाया, मैं ऊपर कैसे पहुँचूंगा? अभी स्ट्राइक हुआ, कोई और टूरिस्ट नहीं है, मैं अकेला सा यहाँ पे घूम रहा हूँ कैमरा लेके, व्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं फंस गया क्या अंजाम होगा मेरा पता नहीं, लिटिल स्केयर्ड, आई डोंट वांट टू फील रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिस। हे हैवी रीच, चिड़िया खत्म हो गई, देखो प्लेन लैंड। अरे मैं ये प्लेन लैंड देख के खुश हो गया था कि चिड़िया खत्म हो गई यार। आई डोंट इवन सी अ रे ऑफ होप। इट्स अ लिटिल डेंजरस नाउ बिकॉज टांगों में जान बची नहीं है एंड द रास्ता इज नॉट वेरी गुड यार। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई वॉज अ लाइव, बिकॉज तभी मैं ऊपर आके एडिट कर पाया इसको। शिट, ये मिट्टी पड़ी ना सीढ़ियों पर, मिट्टी फिसल रही है। गाइज आई डोंट थिंक आई शुड गो एनी फर्दर, क्या करूँ, सीढ़ियाँ बहुत ख़राब हैं, पत्ते हैं, झाड़ियाँ हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, अंधेरा होने वाला है, कोई बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे यार। मैं गलत तो नहीं आ गया, क्या हो गया, क्या करूँ यार, शिट, थोड़ा और चलते हैं। खराब रास्ता यार, कैसे जाएंगे, पैर पैर फिसल गया तो फिर। भाई कोई है? हेलो यार, ये बहुत ख़राब रास्ता है, यू कांट वॉक ऑन दीज लीव्स, पैर फिसल गया तो सीधा नीचे यार। वहाँ देखो वहाँ तो सीढ़ियाँ ही नहीं है। आई एम फीलिंग सो बैड, इतना नीचे आके मुझे अगर वापस जाना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट सेफ यार, आई मीन आई विल बी फूलिश इफ आई गो डाउन एनी फर्दर, इट कैन बी लाइफ और डेथ एक्चुअली। मिशन अबॉर्ट, आई डोंट वांट अबाउट द मिशन बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू इट, मैंने मतलब अगर स्टार्ट करता ना कुछ, आई डिडंट वांट फिनिश इट, बट आई डोंट वांट बी मेकिंग डिसीजन बिकॉज ऑफ द रश, आई हैव अ फैमिली नाउ। ये बहुत डेंजरस है यार, देख रहे क्या फिसल जाएगा यहाँ पे सब। मैं चला जाता नीचे, कोई ऐसा टेंशन नहीं है मेरे को, बट रास्ता ही सही नहीं है यार, मिट्टी जमी हुई है, फिसल रहा है पैर मिट्टी में। बात यह ना, कोई हादसा हो गया ना, कोई बचाने वाला भी नहीं है, पता भी नहीं चला, यहीं पड़ा रहूँगा हफ्ते दो हफ्ते तक। हाय लुक सच अ नाइस बटरफ्लाई। तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी तो सीट ना मिली। पता कोई अगर बंदा ऊपर आ रहा था ना, कोई मिल जाता उससे पूछ लेता मैं, भाई कैसा है, क्या है, कितना नीचे। कोई है ही नहीं, कोई टूरिस्ट ही नहीं है अब। लेकिन ये भी लग रहा है कि यार हो सकता है कि बस आ ही गया हूँ, नीचे ही है, चला जाऊँ, लालच भी आ रहा है यार, रेलिंग भी नहीं है यार। चलो गाइस लेट्स गो बैक यार, आई एम फीलिंग सो बैड, बट खड़े होने में डर लग रहा है, देख रहे हो इतना डेंजरस है। सो इट्स 14:11 एंड देखते हैं ऊपर कब तक पहुँचते हैं, इट इज़ वेरी बैड यार। ऐसी सीढ़ियाँ फिर भी आदमी चढ़ ले, दीज आर स्टिल फाइन, कच्ची हैं मतलब पत्थर की हैं, बट दे नॉट डेंजरस, क्योंकि मुझे जो बताया गया था कि नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है, सबसे पहले इसको कवर करो, इसलिए मैं यहाँ पे आया पहले, इसीलिए वो कह रहा था। ओ गाइड गाइड गाइड,
वो हेल्प हेल्प हेल्प, नीचे जाने के लिए एक बंदा आपके साथ जाता है, वो 400 रुपये लेता है। मैंने कहा जब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं 400 रुपये क्यों दूँ मैं, मतलब और क्या करेगा मेरे साथ आके वो। अब मुझे समझ में आया, नो आई कांट गो बैक अप एंड टेक अ गाइड एंड कम डाउन अगेन, बहुत देर हो चुकी है। बट आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं गाइड लें, और सर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो जोश जोश में सकता है। अगर कोई 20-25 साल का लड़का होता, हाथ में कैमरा होता, व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब का करियर आगे जाना है, कंटेंट करना है, शायद वो चला जाता अकेला। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, सांस फूल रही है पर हवा बहुत प्योर है यहाँ की। 14:35 ब्रेक नंबर 2, आई थिंक 15 मिनट्स इज़ अ गुड। बाय बाय। यू गाइज डोंट गेट टायर्ड प्लेइंग हियर ऑल डे। कैन आई यूज़ योर दिस? गिव मी अ लाइक दिस ना। थैंक यू। मर्रत मर्रत मीन्स मर्रत स्मॉल स्मॉल स्मॉल। हाँ, यू आर ऑल्सो मर्रत मर्रत, ही इज मर्रत। वन वाटर वन बनाना। नो यू कांट कैच हिम, यू कांट कैच हिम, यू सेड यू विल कैच हिम। पता है ये भी रास्ता ठीक है, एज इन की दिस इज डेंजरस बट इफ यू वॉक स्लोली एंड ध्यान से तो ठीक है ये, क्योंकि दिस इज नॉट स्लिपरी, दिस इज प्रॉपर ट्रैकिंग वाला रास्ता। यू एंजॉय डूइंग अ ट्रैक लाइक दिस। सही है नहीं? बाय चांस अगर यहाँ पे आने का डिसाइड करो तो बम्बू लेना, बच्चों से बात देता है 10 रुपये का, मैं इतना हीरो मत बनना, ठीक है? बट ऑनेस्ट एडवाइस, इफ़ यू कमिंग हेयर कम अर्ली, ज़्यादा शाम को ना आए। माय कार इज़ देयर, थैंक गॉड। ओके गाइस, रीच द कार। अब हम अपने इस डंडे को लॉन्च करेंगे, ये रहा फ्लाइंग विश का डंडा।